एक बार एक गांव में एक बड़ा सा घर था जो बिल्कुल खंडहर जैसा हो गया था। गांव के लोगों का मानना था कि उस खंडहर में भूतों का एक परिवार रहता है, इसलिए रात के समय कोई भी उस खंडहर के पास से होकर नहीं गुजरता था। एक दिन एक रिया नाम की लड़की शहर से उस गांव में फोटोग्राफी करने के लिए आती है। गांव के सरपंच रिया के पापा को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो उसे अपने घर पर रुकने को कहते हैं। अरे आओ आओ रिया, तुम्हारे पापा से मेरी बात हुई थी, तो तुम्हें यहाँ हमारे इस छोटे से गांव में क्या काम है रिया? वो अंकल, पहले तो इनसे मिलिए, ये मेरा मंगेतर है अनुज। रिया के साथ एक लड़का खड़ा था जिससे रिया की शादी होने वाली थी। रिया और अनुज घर के अंदर चले जाते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब अनुज सो ही रहा था, रिया जल्दी 4 बजे उठकर गांव में घूमने निकल जाती है। सर्दियों का समय होने की वजह से अभी तक अंधेरा ही था और सूरज नहीं निकला था। रिया गांव में इधर उधर टहलने लगती है और तरह तरह की फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगती है। ऐसे ही टहलते टहलते 7 बज जाते हैं और वो उसी खंडहर वाले घर के पास पहुंच जाती है। अरे ये खंडहर कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, चलो इसकी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेती हूँ। तभी पीछे से अनुज रिया के कंधे पर हाथ रखता है और रिया चौंक जाती है। अरे अनुज, तुम यहाँ कब आए और कैसे ढूंढा तुमने मुझे? अरे रिया, मैं तो सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था। रिया, इस गांव में तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, इतने मच्छर थे यहाँ, और तो और ये गंदी स्मेल, ओफो, हर जगह बस गाय के गोबर की गंदी स्मेल आ रही है। हम यहाँ से कब वापस जाएंगे? अनुज, मैंने तो तुम्हें पहले ही यहाँ आने से मना किया था, पर तुम्हें तो हर जगह मेरे साथ आना है, मेरी रक्षा करने। अब आओ मेरे साथ, मैं इस खंडहर के अंदर जा रही हूँ फोटोज क्लिक करने। अरे रिया, ये कितना डरावना है, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए, और अगर इसके मकान मालिक को पता चल गया तो हम पर केस भी तो कर सकता है ना? केस? तुम पागल हो क्या अनुज, कुछ भी कहते हो। चलो अब अंदर, मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। अनुज डरते डरते रिया के पीछे जाता है। अंदर देखती है, ये घर बहुत ही बड़ा था, पर इतने लंबे समय से बंद होने की वजह से हर तरफ अंधेरा और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रिया अंदर जाती है और फोटोज क्लिक करने लगती है। वो देखती है कि एक दीवार पर एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लटका हुआ था जिसमें एक आदमी, औरत और उनके बेटे की तस्वीर थी। वाओ, ये सब कितना खूबसूरत है। खूबसूरत? मुझे तो ये सब डरावना लग रहा है। तभी खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अनुज जोर से चिल्लाता है, ये क्या था, बचाओ। अरे अनुज चिल, ये सब हवा की वजह से हुआ है, डोंट वरी। तभी उन दोनों के सर पर जोर से कुछ पड़ता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया और अनुज घर के अंदर ही जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और उनके हाथ पैर बंधे थे। इतना ही नहीं, रिया ने दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए थे और सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहना था। अरे 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 रिया, ये तुमने ये सब कब पहना, और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, ये तुमने सिंदूर क्यों लगा रखा है? मुझे क्या पता डफर, मैं तो बेहोश थी। तभी उन दोनों के सामने 3 भूत आकर खड़े हो जाते हैं जिसमें एक चुड़ैल भी होती है। उनमें से एक बुढ़ा भूत आगे आता है और अपने हाथ दूर से अनुज की तरफ बढ़ाता है जिससे अनुज की रस्सी अपने आप खुल जाती है। अरे ये क्या, मेरी रस्सी खुल गई? अनुज मेरी रस्सी भी खोलो। पर अनुज भूतों की तरफ देखता है, फिर रिया की तरफ, और फिर वो रिया को वहीं भूतों के पास छोड़कर चला जाता है। अनुज अनुज, ये तो चला गया। रिया भूतों की तरफ ध्यान से देखती है। अरे तुम सब तो वही पेंटिंग वाले हो ना, तुम दोनों पति पत्नी और तुम इनके बेटे, पर तुम सब भूत कैसे बने? सही पहचाना बहू, मैं तुम्हारी सास और ये तुम्हारे ससुर, और ये है मेरा बेटा यानी कि तुम्हारा पति। कैसा लग रहा है तुम्हें अपने नए परिवार से मिलकर? हैं, ये क्या कह रही हैं आप, मैं और तुम सब भूतों की बहू, पर मैं तो जिंदा हूँ, ये भला कैसे हो सकता है, और ये कब और ये हुआ कब? अरे बेटी, ये तब हुआ जब तुम बेहोश थी, हमने तुम्हारी शादी हमारे बेटे अशोक से करा दी। तुम सब पागल हो गए हो, अगर मुझे मारना ही है तो मार दो ना, ये शादी का क्या चक्कर है? तभी अशोक कहता है, अरे रिया, हमने तुम्हें मारना थोड़ी ही है, हमें तो बस तुम्हें अपनी बहू और मेरी पत्नी बनाकर
इस घर में रखना है, वो भी सिर्फ एक महीने तक। क्या मतलब? तभी तेज हवा चलने की वजह से खिड़की जोर से खुल जाती है और ससुर भूत अपने सर को पूरा पीछे घुमा लेते हैं। रिया उन्हें इस तरह से देखकर चिल्लाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या किया तुमने, फिर से बेहोश कर दिया बहू को। चलो जाओ यहाँ से, मैं उसे देखती हूँ। मैंने क्या किया, ये तो कमजोर दिल की निकली। अब अगर ये सुबह मुझे मेरी आँखें मेरे मुंह से निकाल कर धुलते हुए देख लेती तब तो ये पक्का मर ही जाएगी। अरे पापा, ये सब नहीं करना है इसके सामने, याद है ना हमारा मकसद। तभी चुड़ैल रिया को उठाती है और उसे एक कमरे में ले जाकर लिटा देती है और सब दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर देती है। कुछ देर बाद फिर से रिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि चुड़ैल उसके पास ही बैठी हुई थी। चुड़ैल उससे कहती है, अरे बहू तुम उठ गई, अच्छा हुआ, अब तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, मैंने इस गांव की बहुत सी चुड़ैलों को बुलाया है। क्या? नहीं नहीं, ये जरूर सपना है, ये सपना है, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। रिया होश में, होश में, होश में। अरे अरे बहू रुको रुको रुको। तभी उस कमरे में अशोक आता है और रिया को ऐसी हालत में देखकर सब समझ जाता है। वो अपनी माँ यानी कि चुड़ैल को वहाँ से जाने को कहता है। चुड़ैल के जाने के बाद अशोक रिया से कहता है, रिया रिया मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, 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 ये सब क्या हो रहा है, मुझे मेरे घर जाना है वापस। सुनो रिया मेरी बात सुनो, और अगर मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम कहोगी तो मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा तुम्हारे घर, वादा। सालों पहले इस खंडहर की जगह हमारा खूबसूरत घर हुआ करता था और मैंने मेरी पढ़ाई विदेश से पूरी की थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक लड़की से तय कर दी, पर उस समय हमारे सर पर पैसों का भूत सवार था। हमने उस लड़की को शादी के बाद बहुत परेशान किया, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पर उस लड़की के पापा एक अघोरी थे, उन्होंने गुस्से में मुझे और मेरे मम्मी पापा को मार दिया और ऐसा श्राप दिया जिससे हमारी आत्माएं इसी घर में हमेशा के लिए कैद हो गईं। पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, तुम्हें बस यहाँ पर एक हफ्ते तक रहना पड़ेगा। अगर तुम खुशी खुशी इस भूतों के परिवार की बहू बनकर एक हफ्ते रहोगी तो हमारा ये श्राप उतर जाएगा और आखिरी दिन तुम्हें एक पूजा करनी पड़ेगी जिससे हमारी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। पर तुम्हें कैसे पता कि इस सब से तुम लोगों की आत्मा को शांति मिल जाएगी? हमें ये श्राप देने के कुछ समय बाद वो अघोरी बाबा वापस यहाँ आए थे। हमें भटकता हुआ देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई जिंदा लड़की खुशी खुशी हमारी बहू एक हफ्ते तक के लिए बनेगी और आखिरी दिन वो पूजा करेगी तो हमें आजादी मिल जाएगी। मैं समझ गई, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ अपनी मुंह दिखाई के लिए। और रिया तैयार हो जाती है। जब रिया नीचे आती है तो देखती है कि नीचे बहुत सी डरावनी आत्माएं खड़ी थीं और साथ में चुड़ैल, सास, ससुर और अशोक भी थे। रिया उनके बीचों बीच रखी एक कुर्सी पर बैठ जाती है। वो सब भूत और चुड़ैल बेहद डरावने लग रहे थे। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सब आत्माएं खंडहर से बाहर चली जाती हैं और चुड़ैल रिया से डिनर के लिए टेबल पर बैठने को कहती है। जैसे ही रिया डाइनिंग टेबल पर बैठती है और उसकी चुड़ैल सास उसे खाना परोसती है तभी वहां अशोक का भूत आता है और वो देखता है कि रिया के सामने प्लेट में कच्चा चिकन और एक मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ था जिससे खून बह रहा था। वो रिया को कमरे में जाने को कहता है और फिर अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा ये क्या किया आपने, रिया जिंदा है, वो ये सब नहीं खा सकती, मैं उसके लिए कुछ फल लेकर आया हूँ, वो ये खा सकती है। अशोक जाकर रिया को फल दे देता है और इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है। हफ्ते के आखिरी दिन रिया अशोक जैसे बताता है वैसी पूजा करती है और उससे अशोक और उसके मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसी के साथ रिया भी आजाद हो जाती है।
पर वो खंडहर से बाहर निकलकर अनुज से शादी नहीं करती और वापस अपने शहर चली जाती है।